अस्सलाम वालेकुम नक्स नगेट्स चैनल में आज मैं अपने किचन में आने जा रही हूँ सांभर की रेसिपी। सांभर सभी को बहुत ही पसंद आता है, आप इसे इडली, डोसा, मेंदू वड़ा सब में सर्व कर सकते हैं और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। इसके बिना तो इडली या मेंदू वड़ा या डोसा बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं होता है। तो चलिए आज हम अपने किचन में सांभर की रेसिपी बनाते हैं। सबसे पहले मैंने एक बर्तन लिया है, मैंने उसमें ऑयल ऐड कर लिया है, सो मैंने मेथी ऐड कर दिए हैं, अक्खा धनिया, थोड़ा सा काली मिर्च, ज़ीरा, कड़ी पत्ते, इसे हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब मैं इसमें चना दाल, थोड़ा सा उड़द दाल, इसे भी थोड़ा सा मैं फ्राई कर लूँगी। अब मैं इसमें प्याज ऐड कर दूँगी, हरी मिर्च, लहसुन, इसे मैं फ्राई कर लूँगी थोड़ा। और अब मैं इसमें सूखी हुई जो लाल मिर्च होती है उसको मैंने सोख कर लिया था, अब वो ऐड कर दूँगी। ग्रेट किए हुए नारियल, इन्हें मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी और इनका मैं फाइन सा पेस्ट बना लूँगी। अब मैं उसी बर्तन में थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी और सरसों ऐड कर दूँगी, उसमें कड़ी पत्ता, बारीक चॉप किए हुए प्याज, टमाटर, मैंने अच्छे से मिक्स कर लूँगी और जो हमने पेस्ट तैयार किया था मैं उसमें वो ऐड कर दूँगी। इसको अच्छे से पका लूँगी मैं, देखिए। अब मैं इसमें कुक की हुई जो उड़द दाल है उसमें मैंने नमक और हल्दी डाल के इसे मैंने अच्छे से कुक कर लिया था, दाल को अच्छे से गला लिया था। मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी, नमक, इसको अच्छे से मैं चला लूँगी। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कवर करके रख दूँगी। 5 मिनट हो चुके हैं, बहुत ही अच्छा बॉईल आ चुका है। अब मैं इसमें इमली का पानी ऐड कर दूँगी क्योंकि हमारे सांभर में बहुत ज़रूरी होता है, और मैं गुड़ ऐड कर दूँगी ताकि हमारे सांभर का टेस्ट खट्टा मीठा है। अब मैं इसमें बारीक चॉप किए हुए धनिया पत्ता और अच्छे से इन्हें मिक्स कर लूँगी। बहुत ही टेस्टी हमारा सांभर बनके तैयार हो चुका है, आप जब भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।